बताओ, जब से ही सरकार बनी क्या दिया है पब्लिक को, क्या दिया? यही 10,000 साले कांग्रेस ने शासन किया, क्या दिया? नहीं, लॉकडाउन लगा कितना पैसा मिला? बात सुनोगे, हमें बताओ कितना पैसा मिला? कांग्रेस ने 500 रुपया दे दिया, 500 रुपया पूरा महीना खर्चा चल गया। गली गली में कूड़ा पड़ा, स्मार्ट सिटी बन गई है, जगह खुले हुए हैं, दारू बिक रही है, आज भी भूखा मर रहा है। दुकान बंद करते 9 बजे, इसकी फल की देखा मंदिर 11 बजे। का खास शो यूपी का ताप द कंटाप आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। यूपी में जिस तरीके से 2022 का चुनाव होना है उसको लेकर के क्या कुछ सरगर्मियां हैं, क्या कुछ लोग सोचते हैं, हमारे साथ फिर से लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? हमारा नाम रमेश चंद वर्मा है। अब 2022 में चुनाव आने वाले हैं, जो गरीबों का खून चूसेगा वही जीतेगा। ये क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, जो गरीबों का खून चूसेगा वही जीतेगा। मतलब गरीबों का खून चूसेगा वही जीतेगा, वही चुनाव कामयाब होगा। तो सरकार क्या गरीबों का खून चूसती है? हाँ, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं क्या? ही कह रहे हैं, व्यापार तो बहुत है इस सरकार में। व्यापार तो खूब है। हाँ, व्यापार खुद है, इतना पैसा जेब में आ नहीं रहा। कहीं ना रोजगार तो सब बहुत चल रहा है। हाँ, सरकार चल तो रहा है, चल तो रहा भैया, रोजगार खूब चल रहा है, जेब में पैसा नहीं हम आ रहा, इतना जो रोजगार चल रहा है। बोलो यार, नाराज लग रहा है, नाराज हैं आप सरकार? नाराज हो रहा है कि नहीं? सरकार हमारी सरकार चूल्हा उतनी खाएगी, हम कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा मुझको। ये देखिए, ये आधार मेरा बना हुआ नकली है, ये दिखाइए जरा। क्या हो गया इसमें? ये हमारा मोबाइल खो गई थी, लिंक नहीं हो रहा, मतलब चालू नहीं हो रहा है। चार बार, चौथी मरतबा ये मोबाइल चालू कर, चालू नहीं हुआ, लड़के की सिम लगाएं। ये नकली है, हमारी फोटो नकली है, ये सब क्या है? बाकी तो क्या है? पहचान नाम है, ये तो आपकी पहचान है। पहचान तो ये गलत पहचान है, इसको गलत बता रही है, नेट गलत बता रहा है। हम बैठे हैं, ये है बैठे, सब कुछ है, फोटो गलत है। इंडिया तो डिजिटल हो गया, डिजिटल इंडिया है अब तो। बस जो है यही हमारा कहना भी है, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, आप चुनाव आने वाले हैं तो क्या लग रहा है यूपी में कौन फिर से आप सरकार बनाएगा? हमको पता नहीं है, जो जो गरीबों का खून चूसेगा वही सरकार बनाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं, गरीबों का खून चूसेगा, मतलब गरीबों का खून चूसेगा? बस जाइए भैया, बस बिल्कुल। भैया क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी आने वाले समय? योगी की ही सरकार बनेगी। योगी जी की? क्या फ्री राशन दे रहा है 2 महीने? और काफ़ी उन्होंने नौकरियां दी है। क्या नौकरियां दी है? कह रहा है रोजगार ही नहीं है यूपी के अंदर, लोग कह रहे हैं बहुत बेरोजगारी है। अरे ये तो जो पार्टियां कहती ही है कि जो बहुत रोजगारी है, तो जिसके पार्टियां वही कहता है विपक्ष वाले। अच्छा ये बताइए, महंगाई से समस्या नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है? महंगाई पहले भी थी, अब भी है। पहले जो है थोड़ी कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा है। पेट्रोल बढ़ा लेते हैं? पेट्रोल तो बढ़ा ही है, तो बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और महंगा हो जाए? पहले 80 पैसे थी, अब 100 रुपए है, कोई ज़्यादा थोड़ी नहीं है। ज़्यादा नहीं है, और 1,000 रुपए में हो जाए? नहीं, 1,000 रुपए तो हो ही नहीं सकता। और बाकी जो पार्टियां हैं वो भी तो चुनाव लड़ेंगी, तो उनको क्यों नहीं? तो वो तो विपक्ष वाले चिल्लाएंगे यही से। वैसे चिल्लाती महंगाई है, लेकिन महंगाई होगी कहे, महंगाई के हिसाब से आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। रोजगार नहीं तो तनख्वाह कहाँ से बढ़ेगी? तो पहले कहाँ से रोजगार था? आपको रोजगार क्यों नहीं है? पहले कहाँ था? आप कहते हैं रोजगार नहीं है, पहले रोजगार था क्या? इतने साल हो गए, बिल्कुल पहले रोजगार कौन हमको दिया है? किसने किसने दिया हमको, ये पहले बतावे। ये ठिलिया चला रहे हैं, 5,000-10,000 रुपया दे रही फ्री का, फ्री का समझो पैसा लेगी तो हम नहीं देंगे तो उसको। आप बताइए, इतने 20 साल हो गए हैं, कोई दिया हमको, बुला के दिया कि ले तुम ले लो हमारे पैसा? ये सरकार ने हर जगह दिया है। क्या दिया?
पैसे दिए व्यापार के लिए, महंगाई तो बढ़ रही है। 1000 रुपया का फ्रीम दे दिया सरकार ने, क्या किसी ने वसूलेगी नहीं सरकार? क्या किसी ने, एक सरकार ने 10 रुपए दिया अभी तक? क्या दिए जी हमें ये बताओ, जब से ये सरकार बनी क्या दिया है पब्लिक को? क्या दिया? यही 10000 रुपए कांग्रेस ने शासन किया, क्या दिया? नहीं, लॉकडाउन लगा कितना पैसा मिला? सुनोगे हमें बताओ, 70 साल कांग्रेस ने 500 रुपया दे दिया, 500 रुपया पूरा महीना खर्चा चल गया। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, क्या दिया आपको? उसने बहुत क्या दिया, एक चीज बता दो। गरीबों के लिए उसने बहुत कुछ किया, इसने क्या किया? अरे क्या किया? उसने तो बहुत गरीबों की पेंशन उसने बांधी। किसने बांधी? क्यों, क्या पेंशन नहीं मिलती थी पहले? अब कहाँ मिल रही पेंशन? अब तो पेंशन बंद है इसकी सरकार, शुरू से बंद रही है। कौन सी पेंशन मिल रही है? कौन सी पेंशन बंद है बताओगे? पेंशन बंद है कहाँ बंद है? चालू है मेरे साथ, चलो विधायकों को पेंशन मिलेगी नहीं? अरे तुम क्या बहस कर रहे हैं हमसे? पासबुक नहीं दिखाओ मैं क्या सरकार दे रही है? आ रही हो तो बोलो। हर आदमी परेशान है इस समय, कौन सा आदमी खुशहाल है हमें बताओ? क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है सरकार में? ये गाड़ी हम लोग चला रहे हैं रोड पे, हाल क्रेन टांग देती है का हम लोग 10-20-50-200 रुपया पैदा करने वाले इंसान लगाओगे तो रोड पे लगाएंगे भैया? रोड पे धंधा पानी है? तो पहले क्रेन नहीं थी? पहले नहीं थी क्रेन? पहले भी क्रेन उठाते नहीं थी? आज उठा रही है? अरे स्मार्ट सिटी कह रहे हैं बना दिया, स्मार्ट सिटी कानपुर बना, हाँ कितना स्मार्ट सिटी बना देखो, चल के गली गली में कूड़ा पड़ा, स्मार्ट सिटी बन गई है। स्वच्छ भारत हो गया है, स्वच्छ भारत हो गया, गरीब परेशान हो रहा, स्वच्छ भारत हो गया, गंदगी का सार है ये। तो फिर क्या स्मार्ट शहर बन गया? क्या स्मार्ट शहर बन गया बताओ? मैं कह रहे गरीबों के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। नारा लगा था कि गरीबी हटाओ, उनने गरीबों को हटा दिया, गरीबी नहीं हटी, गरीबों को हटा दिया। भैया वो मैं ब्याज का पैसा भी तो ये बताइए सरकार कह रही है पैसा भी? अच्छा ये बताइए सरकार, मैं ब्याज कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, अगर दिया होगा 10 रुपए ये लोग व्यापार करो हमको दे देना वापस। 70 साल कांग्रेस ने सरकार बनी थी, सबको रिक्शा मिला था गरीबों को, सबको पैदल पैदल वाले चला रहे थे, साइकिल बांटी उसने, इनने क्या बांटा है? बहस कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए अच्छे दिन आए? अच्छे दिन कुछ नहीं आए, उससे ज्यादा खराब दिन आ गए। अच्छे दिन काहे के आए? का अच्छे दिन आए, उससे ज्यादा खराब दिन है? यूपी नंबर एक में बना दिया गया। अरे कुछ नहीं, दो महीना अच्छे दिन नहीं, राशन से जिंदगी पार हो जाए लगी है। अगर अच्छे दिन आज तक सरकार ने 1 किलो किसी को दिया तो उनको बता दो, 20 किलो चावल, 20 किलो गेहूँ से जो है चल रही है सरकार। तेल फ्री ना? पहले कौन फ्री दे रही है? पहले कौन राशन मिलता था? पहले पैसा लगता रहा, अब पैसा नहीं लग रहा। चलिए बताइए किसकी सरकार बनेगी आपकी बार? राशन आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? दे रहे हो राशन का फ्री मिल रहा कि नहीं मिल रहा? काहे का फ्री मिल रहा? लॉकडाउन लगाया, काहे का फ्री मिल रहा? उससे ज्यादा गरीबों को नोच लिया। कौन सी चीज में महंगाई नहीं है बताओ? मैं कौन सी चीज में महंगी नहीं है? गैस नहीं महंगी? तेल महंगा है नहीं है कि आटा महंगा? क्या समस्या हो रही माता जी क्या समस्या हो रही? और क्या, गैस कभी इतनी महंगी थी? गैस कभी महंगी थी इतना? जितना गैस मांगा कर रहे हैं गैस ही, और कहते हैं तुमको MCD देंगे, MCD दे क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किया गया है इस सरकार में। भैया क्या लग रहा है? काम हुआ है? दारू ठेके खुले हुए हैं, दारू बिक रही है, आदमी भूखा मर रहा है, ये खुला हुआ है। लॉकडाउन लगा हुआ है, दारू खाली बिक रही खुले हुए, ये खुला है। अरे उससे तो राजस्व बना रहा है, राजस्व बना रहा है। जो लोग मर रहे उसका क्या होगा? जो लोग दारू पी मर रहे हैं, खा मर रहे हैं, उनका क्या होगा? जो लोग मरने बेचारे घर बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के घर में खाने को नहीं है, दारू पी रहा नहीं, पी रहा के बंद हो जाएगी, बंद हो रही है। यूपी नंबर एक पे बना दिया, नंबर यू बंद हो गया। नंबर एक पे खाना ना खाओ, दूध ना पियो, दारू पहले पियो आके, ये है। दुकान बंद कर दो 9 बजे इसकी, फल की ठेका बंद करो 11 बजे। अरे अब योगी जी तो मथुरा में मांस मंदिर बयान करने जा रहे हैं, कहा कुछ करें, खाली कह रहे हैं कुछ नहीं करेंगे, वो खाली कह रहे हैं, खाली कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कह रहे केवल हम ये करेंगे। आप कह रहे हैं द्वापर युग आ जाएगा फिर से, मतलब अब आ जाए तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं आ रहा फिलहाल। तो राम मंदिर बन गया अयोध्या में, कमाई की जरिया बन गया है वो, वहाँ जाइए आप, टैक्स दीजिए तो अंदर जाइएगा आप। बनने तो खाली अभी बनना, खाली जब बन जाएगा, जैसे उसमें ताजमहल में
कि पहले एंट्री फीस दो तब अंदर जाओ, ऐसे वहाँ भी हो जाएगा। सरकार कह रही जितना काम करा दिया उतना किसी सरकार ने काम, हाँ ये बात सही है, जो काम मुस्तकार किसी ने कराया, किसी ने नहीं कराया, बहुत काम करा दिया, बिल्कुल काम करा दिया एकदम, लोग भूखे मर रहे हैं, ये करा दिया काम और क्या करा दिया, गल्ला खाली फ्री दे रहे हैं खाली। अरे 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, कहाँ मिल गया, किसको मिल गया भाई, तुमको मिला साहब, तुमको मिला है, तुमको मिला है भाई, कौन है को मिला है, वो किसी को नहीं मिला भाई, यहाँ सरकारी नौकरी मिल गई, बताओ तो भाई इनसे बोलो किसको मिल गई भाई। कह रहा है करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के तहत, और जाने कितना रोजगार है यूपी के अंदर, हिंदुस्तान का सैनिक हम भी हैं, चाचा से पूछो इधर आओ, कितना क्या बन गए हम लोग बताइए, कमानी का कौन है, कोई कभी कमानी कभी सरकार 300 मिलता 300 सरकार तो कह रही बहुत सारा गरीबों के लिए, कहाँ मिल रहा, लाओ दे भाई, कहाँ मिल रहा है, फ्री में अनाज वगैरह दिया गया करो, अनाज क्या करे, जब कारोबार नहीं है, सुनो सुनो भाई, जब कारोबार नहीं है सब बंद करे, करोना 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 कहाँ कमाया जाएगा, कानपुर स्मार्ट सिटी बना दिया गया, कोई नहीं बना है, कुछ नहीं, कोई नहीं बना है। अच्छा कौन सरकार अच्छी थी, आए? कौन सरकार अच्छी थी? हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते, नहीं इसका इसके बारे में, अब अच्छा 2022 में चुनाव आएंगे तो क्या करेगी कानपुर की जनता, अब 2022 में किसको, हम इसके बारे में बता सकते भाई, हम इसके बारे में बता सकते, सरकार जब थी तब थी, बताओ आपकी सरकार आप किसकी बनेगी 22 में, हमको नहीं पता किसकी बनेगी, आप अखिलेश की सरकार बनेगी, नहीं हमको बिल्कुल, ये लोग हैं भैया, क्या नाम है, क्या नाम है भैया, हमारा नाम परवेज है। कैसा लगा योगी जी का कामकाज? अरे योगी जी का क्या बात कही ना यार, योगी जी ने तो इतना करा है कि देख लो, अब इधर सामने बेचारे सब नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकरी कहाँ है, सरकारी नौकरी पूछ रहे हैं ना, मंजूरी करो, बताओ अब बताइए आप तो कह रहे हो, कह रहे हैं स्वरोजगार के तहत बहुत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, तो कहाँ रोजगार मिला भैया, किनको मिल गया, ये खाए ये खाए ये खाए, इतनी जनता खड़ी हुई है आपके सामने, किसको मिल गया रोजगार, किसी एक शख्स को मिला हो तो आप बताओ, यहाँ इतने खड़े 20-25-30 आदमी खड़े हैं, तो कहाँ किसको रोजगार है बताए कोई, एक यूपी नंबर एक पे बना दिया गया, कहाँ से बन गया यूपी नंबर एक पे, जब आदमी के पास कारोबार नहीं, कमाई का जरिया नहीं है, तो नंबर एक का बन गया, उनकी समझ से बन गया, तो ठीक है भाई बना लो आप एक नंबर, वरना कम से कम ये तो हो कि भाई थोड़ी सी दे दे, थोड़ा सा तो कुछ दे दे, आटा पिसवाने जा रहे।